राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का एक बार पुनः यूट्यूब पर स्वागत है। आज हम संसाधन, उसके अर्थ एवं प्रकार, इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती। संसाधन हम केवल उन्हीं वस्तुओं या उन्हीं तत्वों को कहते हैं जिनसे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती हों। यदि कोई वस्तु मानव की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं है तो वो संसाधन भी नहीं है। संसाधन होते नहीं हैं, वो बन जाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देती हूँ आपको। केरल के तटीय भागों में रेत जमा हो जाती है। ये रेत किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो संसाधन नहीं कही जाती थी। पर जिस दिन उस रेत में से यूरेनियम के होने का पता चला और यूरेनियम में मनुष्य के आवश्यकता को पूरी करने की शक्ति है, तब से वो रेत संसाधन कही जाने लगी। क्यों? क्योंकि उससे यूरेनियम की प्राप्ति होने लग गई। संसाधन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक हैं जिमरमैन। तो जिमरमैन क्या कहते हैं कि संसाधन का तात्पर्य किसी वस्तु या तत्व से नहीं होता, वरन उसके कार्य से होता है। प्राकृतिक संसाधन अपने आप में संसाधन नहीं होते क्योंकि वे असक्रिय होते हैं। ये संसाधन तब बनते हैं जब इनका उपयोग किया जाने लगता है। संसाधनों में कुछ विशेषताएं होती है। मेन तीन विशेषताएं हैं। पहला तो कि वह साधन जिसमें मनुष्य को कठिनाई से मुक्ति दिलाने या अवसर का लाभ उठाने की शक्ति हो, जो मनुष्य की सहायता सहारा या जिस पर कि मनुष्य सहायता सहारे या आपूर्ति के लिए निर्भर रहे। और तीसरा, मनुष्य के निश्चित उद्देश्यों की उससे पूर्ति होती हो, वही संसाधन होता है। संसाधनों के प्रकार। पृथ्वी तल पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन्हें हम दो रूपों में देखते हैं। पहला तो है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य को निःशुल्क उपहार स्वरूप जो भी तत्व ऐसे मिलते हैं जिसमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जबकि मनुष्य मनुष्य की शक्ति, उसकी बुद्धि, जिससे संसाधनों की उपयोगिता बढ़ती है, वे सब मानवीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि आज का हमारा चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड है, तो हम आगे इसी की चर्चा करेंगे। ये विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आप समझाने के लिए आपके सामने प्रयास किया गया है। इसके अनुसार जल, वायु, गुरुत्वाकर्षण, खनिज, जीव जंतु, मिट्टी आदि सभी प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। आइए अब जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों की कुछ मूलभूत विशेषताओं के बारे में। ये जड़ तत्व होते हैं और प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, संसाधन अचल होते हैं और उपयोग या विनाश हो जाने पर ये समाप्त हो जाते हैं। इनकी मात्रा निश्चित होती है, इन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, केवल इनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन तो किया जा सकता है, परंतु उन्हें पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। सबसे बड़ी विशेषता कि ये विविध रूपों में संसार के लगभग सभी भागों में मिलते हैं। इनमें पुनरुत्थान की भी क्षमता होती है और ये स्थानांतरित भी होते हैं। अब जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न प्रकारों के बारे में। कई आधार हैं जिनके आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया कर सकते हैं। उनमें हमने सबसे पहला आधार लिया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो जैविक जैव मंडल में मिलते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन, जीव जंतु आदि आदि सभी। दूसरा है अजैव संसाधन। ये संसाधन निर्जीव होते हैं जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं।
ठीक है। अजैव संसाधनों के मुख्य उदाहरण है हमारे मिट्टी, पानी, हवा, धातु, पत्थर आदि आदि। संसाधनों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है समाप्ति के आधार पर। इसमें भी दो प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, पहला नवीनीकरण योग्य और दूसरा है अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे होते हैं जो जिन संसाधनों को हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वापस बना सकते हैं, वापस उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, जीव जंतु हुए, जल हुआ आदि आदि। दूसरा है अनवीनीकरण योग्य, वो संसाधन जिसे हम किसी भी तरीके से वापस उत्पन्न नहीं कर सकते वो अनवीनीकरण योग्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईंधन या धातु, क्योंकि इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं इसलिए इनको हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ संसाधन तो पुनः चक्रीय हो सकते हैं जैसे कि धातु, लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय भी नहीं हो सकते हैं जैसे कि जीवाश्म हुए। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का हमारा तीसरा आधार है स्वामित्व या अधिकार क्षेत्र के आधार पर। इस आधार पर चार प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, जैसे किसी किसान की जमीन या उसका घर। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समाज के पास होता है उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे कि चारागाह, पार्क, तालाब, कब्रिस्तान आदि आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों के ऊपर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि आदि। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाए वे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समुद्री क्षेत्र, किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तट रेखा से सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही होता है, बाकी का जो अगाध या खुला समुद्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आएगा। संसाधनों को वर्गीकृत करने का हमारा चौथा आधार है विकास के स्तर के आधार पर। इसमें भी हम चार प्रकार के संसाधन बांट सकते हैं। पहला है संभावी संसाधन, जिन संसाधनों का उपयोग अभी वर्तमान में तो नहीं हो रहा परंतु भविष्य में होने की संभावना है उसे संभावी संसाधन कहते हैं, जैसे कि गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा का वृहद पैमाने पर उत्पादन, या हम कहें अफ्रीका में जल विद्युत का उत्पादन। अभी तो इतना नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में होना तय है इसलिए वो संभावी संसाधन है। दूसरे हैं विकसित संसाधन, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं, जैसे कि खनिज तेल। तीसरा है भंडार, जो संसाधन उपलब्ध तो हैं लेकिन इस्तेमाल के लिए हमारे पास कोई उचित टेक्नोलॉजी नहीं है हम उसे भंडार कहते हैं, कि हाइड्रोजन जिसे भविष्य में हम ईंधन की तरह यूज़ कर सकेंगे। चौथा आता है संचित कोष, जिन संसाधनों के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन उसका अभी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है वे संचित कोष संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि नदी के जल से पन बिजली बनाना या बिजली निकालना। अभी इसका इस्तेमाल तो हो रहा है पर सीमित पैमाने पर हो रहा है इसलिए इसे हम संचित कोष भंडार कहते हैं। संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, संसाधन का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है। संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि कुछ संसाधन कुछ सीमित लोगों के हाथों में ही हैं और इससे वंचित लोगों को तकलीफ होती है। संसाधन के अंधाधुंध इस्तेमाल ने पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या खड़ी कर दी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, परितंत्र पे खतरा, ओजोन लेयर में सुराख आदि समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का समान रूप से वितरण और सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सतत पोषणीय विकास, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं जब विकास
के होने वाले क्रम में पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचे और भविष्य की ज़रूरतों को भी हम अनदेखी ना करें और हमारा वर्तमान विकास भी ना रुके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कई ऐसे कार्य हैं जिनमें लकड़ी की आवश्यकता रहती है, जैसे कि मकान बनाते समय फर्नीचर आदि आदि। तो क्या हम ये सब बनाना छोड़ दें? नहीं, हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को भी पूरा करना है, परंतु हमें भविष्य में उन संसाधनों की कमी भी नहीं होने देना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यदि हम एक पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भविष्य के लिए दो पेड़ों की बुवाई कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लकड़ी की कमी ना महसूस हो। थैंक यू।